जी, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम आर्यन यूनिवर्सिटी हेल्थ चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और घरों में अपने SOPs फॉलो कर रहे होंगे, बिकॉज जब बात हेल्थ की आती है तो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। आज हम आपके लिए एक सेशन लेकर हाजिर हुए हैं जो कि इनफर्टिलिटी पे है। लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट माई सेल्फ। मेरा नाम डॉक्टर सिद्रा नौशीन है। मैं आर्यन यूनिवर्सिटी में कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पे मुंसलिक हूँ और लीड करती हूँ आर्यन यूनिवर्सिटी आर्यन हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन खारादर। मेरे साथ मेरी कोलीग हैं डॉक्टर इरम। सो डॉक्टर इरम, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम डॉक्टर इरम सलीम है। मैं आर्यन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के गार्डन कैंपस में एज अ कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन काम कर रही हूँ। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्रेवलेंट और आप समझें कि इट्स जस्ट लाइक अ सोशल स्टिग्मा फॉर आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के लिए है, उस पर हम बात करेंगे। तो उसको इंट्रोड्यूस करेंगी डॉक्टर सिद्रा आपसे इस टॉपिक को। जी, बहुत शुक्रिया इरम। सो जैसा कि डॉक्टर इरम ने कहा कि इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है, सो आप में यकीनन सोच रहे होंगे कि हेल्थ से क्या ताल्लुक है इनफर्टिलिटी का। सो इनफर्टिलिटी, लेट्स फर्स्ट डिफाइन इनफर्टिलिटी। वो कपल जो रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी के एक साल बाद भी कंसीव करने में कामयाब ना हो, या वो फीमेल्स जो प्रेगनेंट ना हो सके इवन आफ्टर वन ईयर, उनको हम कहते हैं कि वो सब फर्टिलिटी या उनकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है। और उन खवातीन को फिर इन इस तरफ थोड़ा तवज्जो देने की जरूरत है अगर वो कंसीव ना कर सके तो। इनफर्टिलिटी एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। दुनिया भर में 60 मिलियन से 160 मिलियन के करीब खवातीन हैं जो इस प्रॉब्लम से सफर करती हैं। पाकिस्तान की रेशो अगर देखी जाए, जो भी लिटरेचर अवेलेबल है, उसमें तकरीबन 15-20% कपल ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम का शिकार है। इनफर्टिलिटी पे बात करना हमारे यहाँ बहुत कम सेशन होते हैं और लोग नहीं करते इस टॉपिक पे बात। एक्चुअली बहुत जरूरी इसलिए है कि एक औरत ही है जो सारा ब्रंट उठाती है इस सारी प्रॉब्लम का, बिकॉज शी इज द वन हु इज बीइंग ब्लेम्ड के बार बार बच्चे नहीं हो रहे। तो औरत को बेचारी को स्ट्रेस भी है, एंग्जाइटी भी है, एंड दे गॉट डिप्रेस्ड बिकॉज सारा ब्लेम गेम। इवेंचुअली हमारी सोसाइटी नॉर्म्स इस तरह के हैं कि सारा ब्लेम गेम औरत पे जाता है। मर्द को जरा इस मामले में थोड़ी एज हासिल है, तो दैट इज वाई वो औरतें इतनी डिप्रेस हो जाती हैं कि कुछ एरियाज में तो बल्कि ऐसी स्टडीज भी सामने आई हैं जिसमें 60-70% खवातीन जो इनफर्टिलिटी का शिकार है वो फिजिकल वायलेंस का भी शिकार होती है। और ये स्टैटिस्टिक्स हमारी इंडो पाकिस्तान से बहुत कॉमनली आ रही है। सुसाइडल टेंडेंसीज भी हो जाती है बिकॉज इतना ब्लेम गेम किया जाता है कि वो उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। इसकी मेन वजह लैक ऑफ अवेयरनेस भी है और इस पे बात भी कहीं की जाती है। बहरहाल द प्रॉब्लम इज देयर। इनफर्टिलिटी की कॉजेज की अगर हम बात करें तो उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं चाहूंगी कि थोड़ा आप समझ लीजिए कि इनफर्टिलिटी का ताल्लुक बहुत ज्यादा कुछ खवातीन के मेंस्ट्रुअल साइकिल से है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब जो रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें हर महीने जिस वक्त औरत को साइकिल आता है उसके उसी वक्त बेजादानी या ओवरीज में अंडों की ग्रोथ हो रही होती है और उन अंडों में से कोई एक एग इतना मैच्योर हो जाता है कि वो के 13th, 14th, या 15th डे जो ओविड साइकिल हम जिसे कहते हैं वहां पे वो ओविलेशन होती है। और उस ओविलेशन के बाद फिर वो अगर उस दौरान जब ओविलेशन हो रही है उसमें अगर मियां बीवी का कॉन्टेक्ट हो और सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाए तो स्पर्म्स अवेलेबल होने के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये एक नॉर्मल साइकिल है जो इस तरह चलता है। सो बहुत सी खवातीन जिनके रेगुलर साइकिल्स हैं वो ओविलेट नहीं भी करती, लेकिन जो और जो 80% खवातीन हैं जो जिनके नॉर्मल साइकिल्स हैं उनमें से भी कुछ खवातीन ऐसी होती है जिनके साइकिल्स में ओविलेशन नहीं होती, तो दे आर मल्टीपल कॉजेज फॉर दैट। मेन ब्रॉड ब्रॉड अगर हम बात करें तो ओवेरियन कॉजेज हैं जिसमें ओवरी में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, एंडोमेट्रियोसिस बहुत सारी हैं, बीमारियां हैं, ट्यूबल कॉजेज हैं, ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है,
यूट्रस में फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स और इस तरह की बीमारियां सर्वाइकल कॉजेज होती है, तो उनको हम डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे गाड़ी मंगाए। सो मैं आप रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर इरम से कि वो आपको थोड़ा सा बताएं कि इसके सिम्टम्स क्या है और कौन सी खवातीन है जिनको इसका ज्यादा रिस्क है और उनमें क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। जी डॉक्टर इरम। थैंक यू सो मच डॉक्टर सिद्रा। मैं अपनी बात स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैंने इनिशिएट किया था कि दिस इज अ सोशल स्टिग्मा फॉर आवर सोसाइटी ना, और इसके अंदर ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं अपने क्लिनिक्स में भी देखती हूँ डेली प्रैक्टिस के अंदर कि हमारे पास जो इनफर्टिलिटी के साथ खवातीन आती हैं तो उसमें ये है कि नॉर्मली ये होना चाहिए कि इनफर्टिलिटी के साथ कपल शुड बी सिटिंग इन योर क्लिनिक। ये बहुत ज्यादा इस बात को री इन्फोर्स करने की जरूरत है कि सिर्फ दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द लेडी, ये एक कपल का प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की काउंसलिंग स्टार्ट करनी है। एज अ गायनेकोलॉजिस्ट हमें उनको सारे फैक्टर्स के बारे में बताना है एज अ कपल और उनको लेकर चलना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि किन लोगों को जल्दी आ जाना चाहिए, जैसे डॉक्टर सिद्रा ने डेफिनेशन में बताया कि विद इन ए ईयर, अगर आप एक साल आपको गुजर गया है और आपकी एज लेस देन 35 ईयर्स है, मैं खातून की बात कर रही हूँ, और यू आर नॉट एबल टू कंसीव, आप कंसीव ना नहीं कर पाई हैं, तो आपको अपने स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट को अप्रोच करना चाहिए। और कुछ स्पेशल केसेस हैं कि जैसे कि अगर खातून की एज मोर देन 35 ईयर्स है, ठीक है, या फिर उसको कोई नोन मेडिकल प्रॉब्लम है जैसे कि डायबिटीज है या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज उसकी शादी से पहले उसके साथ एसोसिएटेड थी, तो उसको जल्दी यानी विद इन 6 मंथ्स उसको अपने स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है। मूविंग ऑन, अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कौन से लोग ऐसे हैं कि जो एट रिस्क हैं। एट रिस्क मतलब कौन से लोग, कौन से अवामिल ऐसे हैं कि जिनमें खतरा है कि उनके अंदर इनफर्टिलिटी या बांझपन हो सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें बोथ मेल एंड फीमेल के अंदर, तो एज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। एज के अंदर सिर्फ फीमेल्स की एज इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये कहा जाता है दिस इज अ थिंग विच इज वेरी प्रेवलेंट इन आवर सोसाइटी कि सिर्फ फीमेल्स की एज जो है वो इम्पोर्टेंट है, मर्द किसी भी एज का हो तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है फर्टिलिटी में। दिस इज रॉन्ग। मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज फॉर फीमेल्स एंड मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज फॉर मेल, यानी मर्द अगर 40 साल से ऊपर है और औरत 35 साल से ऊपर है तो वो दोनों की फर्टिलिटी डिक्लाइन होना शुरू हो, इसको क्लियर करना। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज वेट। वेट एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। वेट प्रॉब्लम्स ओबीस औरतें यानी मोटापे का जो शिकार हैं और अंडरवेट औरतें, ये दोनों औरतें ऐसे ग्रुप्स में चली जाती हैं कि जिनके अंदर जैसे डॉक्टर सिद्रा ने हाईलाइट की थी बात कि एग रिलीज होना, ओविलेशन, एन ओविलेशन होती है इस खावतीन में, ओबीस औरतों में भी और अंडरवेट औरतों में। तो बिफोर गेटिंग प्रेगनेंट या बिफोर गेटिंग मैरिड, मेरा तो ये आप सब लोगों के लिए पैगाम है कि आपको एक हेल्थी आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए एंड बिफोर गेटिंग मैरिड इवन आपका वेट एक नॉर्मल बीएमआई के तरफ होना चाहिए। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है जैसे डायबिटीज अगर आपको है, स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है कि अगर मर्द और औरत दोनों की जिंदगियों में स्ट्रेस है, जैसे कि आपके घर का प्रेशर है, घर में सब लोगों को अगर कोई आता है हमारे पास फीमेल इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए तो सबके सवालात होते हैं, सास के, मदर के, सबके सवालात होते हैं कि ये ट्रीटमेंट चल रहा है 2 महीने से चल रहा है, 3 महीने से चल रहा है। दिस इज अ वेरी प्राइवेट इशू, डील इट वेरी प्राइवेटली। आपको सबको इतना ज्यादा इस चीज को अगर आप अनाउंस करेंगे तो यू गेट मोर स्ट्रेस्ड और उसमें इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कामयाब नहीं हो पाएगा, ठीक है। थोड़े से और अगर मैं रिस्क फैक्टर्स को डिफाइन करूँ तो फीमेल से रिलेटेड रिस्क फैक्टर है उसके अंदर है कि जो कुछ और हार्मोनल इश्यूज हैं, हार्मोनल इश्यूज जैसे कि थायराइड के इश्यूज, थायराइड इश्यूज हैं, प्रोलैक्टिन लेवल्स हैं, ठीक है। ये कुछ हार्मोनल टेस्ट्स हैं जो हम लेटर ऑन इन्वेस्टिगेशंस की जब हम बात करेंगे, टेस्ट्स की बात करेंगे, तो ऐसी खवातीन के अंदर भी रिस्क है कि वो इनफर्टाइल हो सकती है। पीसीओएस की, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में डॉक्टर सिद्रा ने हाईलाइट किया कि वो भी एक बीमारी है कि जिसके अंदर औरतें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज यानी उनके पीरियड्स देर देर से आते हैं, 2.5 महीने में, 3 महीने में उनके पीरियड्स आ रहे होते हैं, चेहरे पे एक्ने होना, मोटापा उसके साथ होता है और बालों की ग्रोथ ज्यादा होती है, ये सब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की अलामत हैं। तो इनके अंदर ये इनफर्टिलिटी की एसोसिएशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम जैसे अगर हाईलाइट करें कि रिस्क फैक्टर्स को अगर हम डिवाइड करें कि एक तो है एग्स का ना बनना, ठीक है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि यूट्रस के अंदर कोई एबनॉर्मैलिटी, यानी जो बच्चादानी है उसमें कोई एबनॉर्मैलिटी,
और तीसरी चीज है कि ट्यूब्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होना, ये तीन मेजर टाइप आपके जो फीमेल हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसके ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं। इन तीनों की एब्नॉर्मैलिटीज हमें चेक करनी होती है इन ऑर्डर टू सी कि इनफर्टिलिटी का रीजन क्या है, कॉज क्या है। ठीक है, आजकल जो हमारे पास औरतें जाती हैं लोकल क्लिनिक से बहुत जगह से इधर उधर से होके आती हैं, दे आर गोइंग फॉर हिट एंड ट्रायल मेथड। ना हिट एंड ट्रायल मेथड आपको मेडिसिन बहुत सारी दे देंगे, 6 महीने से मेडिसिन वो खा रही होंगी, उनको नहीं पता होगा कि वजह क्या है इनफर्टिलिटी की, बट दे आर गोइंग आफ्टर दोज मेडिसिन और वो प्रॉब्लम बहुत एक खराबी की तरफ चली जाती है। सो आई थिंक, और इसके अलावा जो मेल्स के फैक्टर्स हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट मैं इस चीज को हाईलाइट करना चाहूंगी, एक ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है। ऑक्यूपेशन जैसे कि अगर वो किसी फैक्ट्री वर्कर हैं, पेस्टिसाइड्स जहाँ पे यूज होते हैं या फिर कोई लेड का एक्सपोजर है तो उसके अंदर भी मेल्स की फर्टिलिटी कम हो सकती है। तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर इम्पॉर्टेंट है, तो मेल्स का ऑक्यूपेशन जानना भी जरूरी है कि वो क्या काम करते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। सो मेरे ख्याल में मैं डॉक्टर सुद्रा को हैंड ओवर करती हूँ, हमारा जो नेक्स्ट उसका टॉपिक है इस पर चलते हैं। जी थैंक यू इरम, मैं इरमी की बात को थोड़ा आगे लेके चलूंगी। इरम ने बहुत अच्छे रिस्क फैक्टर्स डिफाइन किए, लाइक वजन का ज्यादा होना। अब ओबेसिटी तो हमारे यहाँ इस वक्त बहुत कॉमन है और बहुत सारी डिजीजेस की जड़ या वजह आपको समझिए ओबेसिटी से स्टार्ट होती है। ओबीस कौन, किसको हम ओबीस कहते हैं? जिनका बीएमआई 30 से ज्यादा होता है। बीएमआई क्या है? बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स है, यानी कि आपका वजन और आपके कद का रेशियो। So, वो रेशो जो है वो 25 से कम रहना चाहिए फॉर अ हेल्दी बॉडी। अब अगर वो ज्यादा हो जाता है तो उस ओबेसिटी की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाइपरटेंशन और दूसरी बीमारियां साथ में आ जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में होता ही है कि बहुत सारे ओवरी के अंदर बहुत सारे ओवास बन जाते हैं लेकिन कोई भी उनमें से मिच्योर होके प्रेगनेंसी की तरफ या कंसेप्शन की तरफ नहीं जाता। सो उसके फर्दर टेस्ट हम इन्वेस्टिगेट करते हैं जिसमें आपका इंसुलिन लेवल चेक किया जाता है, आपके अल्ट्रासाउंड होते हैं, और आजकल देखने में आ रहा है कि क्लिनिक में हर तीसरी चौथी औरत पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से अफेक्टेड है। बिकॉज हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, हम एक्सरसाइज तो खैर आप पूछिए ना बिल्कुल नहीं करते हैं, बहुत सेडेंटरी लाइफ है, कोविड में और चीजें खराब हो गई हैं। सो टू एंटर इनटू आई वुड से कि प्रेगनेंसी के लिए क्या आपकी हेल्थी लाइफ का होना बहुत जरूरी है। सो बेसिक तो पहले सबसे आपकी आपका वजन और आपकी सब चीजें कंट्रोल होनी चाहिए। फिर जिक्र हुआ था ओवरीज में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के अलावा एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है जिसको जिसमें के अंडेदानी के अंदर ओवास में कुछ इस तरह की सिस्ट बन जाती है जो खून से भरी हुई होती है और उस वजह से एक जनरलाइज्ड पेल्विक डिजीज है एंडोमेट्रियोसिस जिसमें प्रेगनेंसी होना काफी दिक्कत हो जाती है। सो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें आपको कहें कि डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है तो वो उसमें मैं कहूंगी कि अगर किसी को पेनफुल पीरियड्स है और बहुत ज्यादा पेनफुल है कि आपको रूटीन के काम आप अपने डेली लाइफ के नहीं कर पा रहे हो और साथ में इनफर्टिलिटी भी है तो यू शुड गो टू सी अ डॉक्टर। पेनफुल है, इररेगुलर पीरियड्स है यानी कि कोई टाइम से नहीं आ रहे या फिर बहुत लंबे अरसे तक नहीं आते, 2 महीने नहीं आ रहे, 3 महीने बाद आ रहे हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड्स और बहुत लॉन्ग, इन दोनों चीजों में ओव्यूलेशन नहीं हो पाती है और ओव्यूलेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। सो ऐसी सूरत में डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अगर आपकी एज 35 से ज्यादा है तो फिर आपको जरूरत नहीं है कि आप 1 साल तक इंतजार करें, आप 6 मंथ्स में भी जाके अपना मुआयना करवा सकते हैं और चेकअप करवा सकते हैं। और जैसा कि इरम ने कहा कि अगर एज 40 से ज्यादा है तो यू शुड इमीडिएटली गो फॉर योर चेकअप एंड ऑल दोस टेस्ट कि ओव्यूलेशन हो रही है या आपकी सारी चीजें ठीक है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल हैवी पीरियड्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा, कुछ लोगों को हैवी होता है, फिर अल्ट्रासाउंड कराने पे पता चलता है कि जी यूट्रस के अंदर एक फाइब्रॉइड है या जिसको आम जबान में हम रसौली कहते हैं, खतरनाक नहीं है बट इन केस अगर कोई इनफर्टिलिटी के साथ आ रहा है तो वो वाला फाइब्रॉइड जिसकी वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो रही हो उसको फिर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, निकालना पड़ता है। अदरवाइज रूटीन के फाइब्रॉइड्स इनफर्टिलिटी कॉज नहीं करते, अगर सब सिरोसल है या बाहर की तरफ है, अगर अंदर की तरफ है और ट्यूब ब्लॉकेज कर रहा है तो डेफिनेटली वो कॉज हो सकता है इनफर्टिलिटी का।
एंडोमेट्रियोसिस में बाजों का ट्यूबल ब्लॉकेज हो जाती है। ट्यूबल ब्लॉकेज की रीजंस में इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे पेल्विक एडिशंस है, या एक और चीज बहुत कॉमन हमारी सोसाइटी में देखी गई है, पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस, जो कि बहुत हिडन है और ये बहुत प्राइम कॉज है इनफर्टिलिटी का, जिसमें पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है और फिर वो इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही पता चलता है कि उसको फिर प्रॉपरली ट्रीट किया जाता है एंड देन फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट दी जाती है। सो रिस्क फैक्टर्स डॉक्टर इनम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। इसके अलावा कुछ हमारे सोसाइटी में मिथ्स भी हैं, सो आई वुड आस्क डॉक्टर इनम टू लाइट ऑन द मिथ्स, क्योंकि मिथ्स इनफर्टिलिटी के साथ बहुत अटैच्ड है। I agree with you, Dr. Sidra, और ये हमारी जो डेली प्रैक्टिस है as a clinician and as an obstetrician, तो इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा myths है, definitely they are attached, और even कि we are seeing very young couples coming to our clinic, मतलब हमारे पास जो क्लिनिक में आ रहे होते हैं बहुत यंग कपल्स हैं, 16 years, 18 years के, जिनकी अभी शादी हुई है और 2 से 3 महीने ही गुजरे हैं, and they are sitting in your clinic और वो आपके पास बैठे हैं और वो ट्रीटमेंट चाह रहे हैं इनफर्टिलिटी का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन चीजों को हमें फोकस करना है और इन चीजों पे हमने जोर देना है कि कौन सी ऐसी खवातीन हैं कि जिनको आपके पास क्लिनिक में आना चाहिए और अपना जो है इनफर्टिलिटी के हवाले से उनको इलाज करना चाहिए, जिसमें हमने पहले भी रीइंफोर्स किया है कि एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर 35 साल से कम उम्र आपकी है और 1 साल गुजर गया है तो आप जो है आए अपने डॉक्टर को दिखाएं, और 35 से ऊपर अगर आपकी उम्र है तो 6 महीने के अंदर अंदर दिखाएं। तो मिथ्स क्या क्या है, सबसे पहली तो मिथ ये है कि मैंने शुरू में भी इसके बारे में बात की थी कि जो एज है कि एज सिर्फ औरत की फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है, मर्द की फर्टिलिटी को अफेक्ट नहीं करती है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। और इस मिथ को और इस मिसकंसेप्शन को जो एक लोगों के जहनों में है, मैं इसको दूर करना चाहूंगी कि एज एक ऐसा नंबर है कि वो दोनों को अफेक्ट करता है, ठीक है। 35 से ऊपर अगर औरत की एज है और 40 से ऊपर अगर मर्द की एज है, तो मर्द के भी जो सीमेन के क्वालिटी है और सीमेन के अंदर जो स्पर्म्स की या जरासीम की क्वांटिटी है, वो दोनों कमी की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो अब यह है कि कपल्स, एज अ कपल आप जाएं अपने क्लिनिशियन या अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास और दोनों की इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि देखिए मर्दों की जो इन्वेस्टिगेशन है ना, उसमें सिर्फ एक टेस्ट है, एक सीमेन एनालिसिस है, और औरतों की एक लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि आपकी 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो हमें एक औरत की इनफर्टिलिटी को ट्रीट करते हुए उसकी करानी पड़ती है। लेकिन अगर देखा जाए तो मर्द की सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन, एक सीमेन एनालिसिस है, जो मेरे हिसाब से हमें फर्स्ट विजिट पे करा लेना चाहिए, ठीक है। एक और जो बात है कि जो हमारे क्लिनिक्स में हमने, फिर अगर मैं कहूंगी, हवाला दूंगी इस चीज का, कि फर्टिलिटी सिर्फ औरत का मसला है, फर्टिलिटी इज अ वुमेन्स इशू, सिर्फ औरत का मसला है, मर्द का तो मसला ही नहीं है, वो तो साइड पे है। सो दिस इज, ये भी एक गलत परसेप्शन है ना, क्योंकि एज अ कपल आप दोनों के जरासीम जब मिलते हैं तो उसके बाद ही जाके जो बेबी बनता है, प्रोड्यूस होता है, तो इसका मतलब है ना कि दोनों का 50-50% हाथ है, ठीक है। अगर मैं उसकी बात करूँ, स्टेटिस्टिक्स का हवाला दूं, तो फर्टिलिटी की जो कॉजेज है ना, उसमें से 35% फीमेल्स के कॉजेज हैं इनफर्टिलिटी के, यानी कि बांझपन में 35% औरतों का हाथ है, 35% ही मर्दों का हाथ है, और अगर देखा जाए तो 20% दोनों के इश्यूज और 10% में कोई कॉज नहीं निकलता है। तो अब आप ये देखें, इन अगर स्टेटिस्टिक्स को आप देखें तो आप ये समझ सकेंगे कि दोनों का इक्वल हाथ है, यानी 35% मर्द में भी मसला हो सकता है, 35% औरत में भी मसला हो सकता है, और 20% दोनों में भी हो सकता है। तो ये सिर्फ औरत का मसला नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक मिथ है जो आई थिंक आई वॉन्टेड टू क्लियर। और दूसरा ये है कि अगर एक बच्चा हो गया तो अब मुझे इनफर्टिलिटी नहीं हो सकती है, यानी कि अब मैं दोबारा, मेरे हो सकते हैं बच्चे, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स, अभी शुरू में डॉक्टर सिद्रा ने बताया कि 20-22% औरतें इनफर्टिलिटी का शिकार है पाकिस्तान में, उसमें से जो 4% सिर्फ प्राइमरी इनफर्टिलिटी, यानी उनका कोई भी बच्चा नहीं है, और 18% में सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, यानी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी यानी एक या दो बच्चे होने के बाद बच्चे नहीं हुए थे, तो वो कॉमन है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका 1 से 2 बच्चे हो गए तो आपके दोबारा भी हो सकते हैं, आप दोबारा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का भी शिकार हो सकती हैं।
और उसके जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का वो ट्यूब्स की ब्लॉकेज है कि ट्यूब्स कहीं पे ब्लॉक हो जाती हैं, जैसे कि अगर आपके सिजेरियन सेक्शन हो गए, सर्जरीज हो गई सी सेक्शन से बच्चे हुए, या खुदा ना खास्ता कि आपको कोई पीआईडी जिसको इन्फेक्शन बच्चेदानी का इन्फेक्शन कहा जाता है उसके बाद भी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती है। एक लास्ट मिथ पे मैं बात करना चाहूंगी कि वो है कि आपकी जो हेल्थ है उसका फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं होता। मतलब लोगों को है कि पेट जितना भी हो, जितनी मोटी होगी उतनी हेल्दी होगी, नहीं ऐसा नहीं है ना। आपने अपना एक बीएमआई एक मेंटेन करना है, ठीक है, बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, तो आपको एक खास बीएमआई का होना है, उसके बाद आप प्रेग्नेंट, क्योंकि आपकी हेल्थ आप बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब मोटापे से एसोसिएटेड है ना, तो अगर ये चीजें होंगी तो फर्टिलिटी तो अफेक्ट होगी डेफिनेटली। सो आपको हेल्दी होंगी तो फिर हेल्दी मदर बन सकेंगी, ठीक है। सो इस ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक अगर और कोई मिथ रॉक्सिडर आपके जहन में आ रही है तो एक मुझे याद आया अभी बैठे बैठे, क्लिनिक में अक्सर खवातीन आती हैं तो वो ब्लेम करती हैं उसी चीज को, अगर आप उनको कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस करते हो मे बी आफ्टर फॉर टू चिल्ड्रन या थ्री चिल्ड्रन, तो वो ये समझती कि अगर हमने ये दवाई खा ली तो फिर समझे हम परमानेंटली इनफर्टाइल हो जाएंगे, बांझपन हो जाएगा, या आईयूसीबी जैसे हम कॉइल डालते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है जो मैं अक्सर फेस करती हूँ क्लिनिक्स में, लोग डरते हैं इस बात से कि अगर एक दफा हमने इस्तेमाल कर ली तो फिर ये हमारी फर्टिलिटी वापस नहीं आएगी, ये खत्म हो जाएगी, या हम किसी तरह से उनकी फर्टिलिटी खत्म कर रहे हैं। बिकॉज ओसीपीज जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की जो मैं बात कर रही हूँ, ये हॉर्मोनल टेबलेट्स होती है, ये सिर्फ हम फॉर कॉन्ट्रासेप्शन नहीं देते बल्कि कई और बीमारियों में भी इस्तेमाल होती है। जैसे हमने कहा कि इरेगुलर पीरियड्स हैं उनकी ट्रीटमेंट में फॉर टेम्पररी टाइम पीरियड हम ये देते हैं बिकॉज उनसे साइकिल रेगुलर हो जाता है और वो उस प्रॉब्लम से निकल आती है खवातीन। उसके अलावा आप एंडोमेट्रोसिस की ट्रीटमेंट भी देते हैं, आप और बहुत से ओवेरियन सिस्ट में देते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है जिसको करेक्ट करने की जरूरत है कि ओसीपीज या आईओसीपीज या जो भी दूसरी ड्रग्स है उनको खाने से इनफर्टिलिटी हो जाएगी। So, ये मिथ हमें सोसाइटी से, बिकॉज इस पर बहुत सारी स्टडीज भी हुई है, काफी पेपर्स भी हैं, सब में ये देखा गया कि आम बिकॉज देखिए अवेयरनेस की कमी है ना सोसाइटी में। हमारी जो खवातीन घरों में है उन बेचारियों को ना अपने हकूक का पता है ना इन सब बातों का पता है, तो अवेयरनेस लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से सारी चीजें होती है। तो वो फिर ब्लेम सारा ओसीपी पे भी चला जाता है और फिर घर की खवातीन ही घर की खवातीन को ब्लेम कर रही होती है कि इसको प्रेगनेंसी। एक और चीज जो मुझे याद आई जो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में कह लिया अनअवेयर लोगों में कम पढ़े लिखे खवातीन में बहुत कॉमन है कि वो समझती है कि जिन आ गया इस औरत के ऊपर, सम सुपर नेचुरल पावर और समथिंग लाइक दैट, कि कोई ऐसे जिन आते हैं कि इस वजह से ही, तो जिन नहीं आते तो बस कुछ औरतों को एपिलेप्सी होती है जिसको वो ये समझते हैं कि इस पे जिन आता है, थोड़ी देर के लिए आया बिकॉज वो 5 मिनट के लिए झटके आते हैं और फिर वो सारी प्रॉब्लम होती है एंड देन इट गोज़ अवे। So, वो सारा ब्लेम औरत के सर पे कि भी इसको जिन आते इस वजह से इसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही। सो ये सारे मिथ्स हैं जिनको करेक्ट करने की जरूरत है, और ये करेक्ट कैसे होंगे जब जब अवेयरनेस होगी सोसाइटी में, इसी तरह के सेशंस होंगे। आप लोग जिस पे हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं और हमें हमें मशवरे भी देते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं, तो इससे फायदा ये होता है कि बहुत से वो लोग जिनके जहन में इस तरह के मिसकंसेप्शंस हैं और मिथ्स हैं वो दूर हो जाते हैं, और वो दूर हो जाने की जरूरत भी है। वहां हमने बात की थी अच्छा डॉक्टर सिद्रा मैं सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस हमें ये यहाँ पे थोड़े से लाइव हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि इसका तो जवाब खैर हम लोगों ने दे दिया है कि शादी के कितने साल के बाद कपल को कंसल्ट करना चाहिए फॉर द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी ना, तो ये हम ऑलरेडी इसका आंसर कर चुके के दोबारा से बता देते हैं। अगर शादी अगर यंग कपल है, कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है और कोई और बीमारी नहीं है, तो विद इन आफ्टर 1 ईयर ऑफ मैरिज एंड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, और अगर एज आपकी 35 ईयर्स तक है तो फिर विद इन 6 मंथ ऑफ मैरिज, और अगर 40 को टच कर रहे हैं दोनों तो फिर विद इन 1 to 2 months, तो ज्यादा डिले ना करें। तो एग्स भी एजेड हो रहे हैं, तो उस
लिहाज से इट इज बेटर कि जितनी यंग एज में शादी हो जाए या यंग एज में कंसेप्शन हो जाए वो ज्यादा हेल्दी प्रेगनेंसी होती है. सो अगर आप 40 को टच कर रहे हैं डेफिनेटली यू शुड गो टू योर डॉक्टर इमीडिएटली. ठीक है. सो आई थिंक मैडम सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है. ओके ये सवाल वैसे इतना रेलेवेंट इस अगर एक सेरियन सेक्शन आपका हुआ है और उसकी रीजन जो है वो ऐसी थी जो कि नॉन रीकरिंग है, यानी कि आपका सी सेक्शन हुआ है बिकॉज ऑफ बच्चा उल्टा था या बच्चे की धड़कन खराब हो रही थी या ऐसी कॉज है जो दोबारा अगली प्रेगनेंसी में रिपीट नहीं होती तो उस वजह से हुआ है, तो फिर एक सिजेरियन के बाद दूसरी नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है मगर उसके कुछ क्राइटेरिया है. सब केसेस में ऐसा नहीं होता है, उसको असेस करना होता है एट 38 वीक्स जिसमें हम ये असेसमेंट करते हैं. पेल्विक असेसमेंट भी होती है, बच्चे का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो देखा जाता है कि एंगेज हो गया या नहीं हो गया, और अगर खुद से स्पॉन्टेनियस लेबर में मदर जा रही है और वो सारे पैरामीटर्स को अगर वो फुलफिल करती है तो यस. और वह ये भी जरूरी है कि इन अ हॉस्पिटल सेटिंग जहाँ पे हर वक्त ऑपरेटिंग की फैसिलिटी मौजूद हो, आपका डॉक्टर आपके लेबरों में विजिलेंटली अवेलेबल हो, सीटीसी का रिकॉर्ड हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में ट्रायल दिया जा सकता है. एक इम्पॉर्टेंट चीज डॉक्टर सित्रा इसमें ये है कि आपका जो दो प्रेगनेंसीज के दरमियान का गैप है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना. सेक्शन के बाद अगर आपका सी सेक्शन हुआ है और आपका बच्चा कम से कम 18 महीने से 2 साल के दरमियान का है और तब आप प्रेग्नेंट होंगी तब आपको ट्रायल दिया जा सकता है, और साथ साथ वो वाले भी सारे फैक्टर्स जो डॉक्टर सित्रा ने भी हाईलाइट किए. तो मेरे हिसाब से कम 2 साल का गैप तो जरूरी है. 2 ईयर्स की बर्थ स्पेसिंग अगर होगी और फिर आप प्रेग्नेंट होंगी तो नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल आपको दिया जा सकता है, और 70-75% चांस है कि हो सकती है नॉर्मल डिलीवरी. बिल्कुल अच्छा जी, मेरा ख्याल और अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ. बिल्कुल. सो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें फॉर इनफर्टिलिटी तो आई वुड से कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं वो हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, सर्जिकल भी है, और हम असिस्टेड रिप्रोडक्शन की तरफ भी जाते हैं, मगर डिपेंड करता है कि कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी क्या है. सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेट करते हैं खातून को भी और हस्बैंड को भी, दोनों को पार्टनर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. जैसे कि एरन ने कहा कि हस्बैंड के लिए तो सिर्फ सीमन एनालिसिस ही करेंगे एंड देन उस पर पैरामीटर्स डिसाइड होते हैं कि क्या फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं है. खवातीन के लिए थोड़े से टेस्ट जरा ज्यादा होते हैं बिकॉज हम कुछ हॉर्मोन्स टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि ओव्यूलेशन का मतलब है कि वो जो मिड साइकिल में अंडा बनता है और रिलीज होता है उस पे बहुत से हॉर्मोन्स अफेक्ट करते हैं उस ओव्यूलेशन के प्रोसेस को. सो वी नीड टू सी कि वो ओव्यूलेशन प्रॉपरली अपने टाइम पे हो रही है या नहीं हो रही है. ठीक है. उसके लिए हम थायराइड हार्मोन चेक करते हैं जैसा इरम ने कहा, ESH लेवल कराया जाता है. उसके अलावा कुछ और हार्मोन होते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल्स हैं वो अफेक्ट करते हैं ओव्यूलेशन पर. सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्ट्रेस. आई वुड अगेन से कि स्ट्रेस जो है वो बिहाइंड द सीन्स अफेक्ट कर रही होती है आपकी ओव्यूलेशन को और प्रेगनेंट कंसेप्शन की एबिलिटी को अफेक्ट कर देती है. जितना ज्यादा स्ट्रेस होता है, जितने ज्यादा स्ट्रेस हॉर्मोन्स होंगे उतनी ज्यादा ओव्यूलेशन भी अफेक्ट होती है और चांसेस टू कंसेप्शन कम हो जाते हैं. आप लोगों ने कभी देखा होगा कि अगर कोई इनफर्टाइल कपल है वो दिल बर्दाश्त होकर कोई बच्चा किसी का अडॉप्ट कर लेते हैं तो आमतौर पर देखा गया है कि वो विद इन 1 or 2 years वो मदर को कंसीव कर लेती है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वो जो स्ट्रेस लेवल था वो एंजाइटी लेवल वो कम हो जाता है, देन ऑटोमेटिकली ओव्यूलेशन आ जाती है, दे कैन कंसीव. सो ये चीजें हमें कंसिडर करने की जरूरत है बिकॉज मैं अपने पेशेंट्स को अक्सर एडवाइस करती हूँ जो इनफर्टिलिटी के साथ आते हैं कि आप कोई ना कोई हर वक्त घर बैठ के ये ना सोचते रहें, बिकॉज एक तो सोशल प्रेशर है, फिर घर वालों का प्रेशर है, वो बेचारी हर वक्त उसी सोच में अगर रहेगी तो फिर वो द थिंग्स वुड बिकम मोर वर्स. ठीक है. सो आप किसी भी चीज में अपने आप को बिजी कर लें, स्कूल में टीचिंग कर लें, घर में बच्चों को पढ़ा लें, कुछ भी जो भी काम आप कर सकते हो, सो वो आपका एक अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है और चीजें भी इधर हो जाती है. तो ट्रीटमेंट वाइज आई वुड से कि सबसे पहले तो अपनी अपनी जनरल हेल्थ इम्प्रूव करें. अपना वजन अगर ज्यादा है, जो भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं सबसे पहले एडवाइस ये होती है कि अगर वजन ज्यादा है तो प्लीज उसको कम कर लें, बिकॉज
ओवुलेशन जो हम दवाइयां देते हैं, जो हम ड्रग्स देंगे, उनके उनकी इफेक्टिवनेस भी कम हो जाती है अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा है या ओबीज है तो. सो पहले अपना वजन रिड्यूस करेंगे. और कुछ लोगों को ये बहुत बुरा भी लगता है जब हम ये शुरू करते हैं कि भी आपका वजन कम होना चाहिए, उसके बाद हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे. सो दे डू माइंड, लेकिन ये बहुत जरूरी है. उसके बाद फिर मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है. मेडिकल ट्रीटमेंट में ट्रीट द कॉज होती है. अगर थायराइड ज्यादा है तो उसकी ट्रीटमेंट नहीं लगी, अगर प्रोलैक्टिन ज्यादा है उसका ट्रीटमेंट देते हैं, अगर इंसुलिन लेवल ज्यादा आ रहे हैं जो कि फास्ट में हम चेक करते हैं उसका ट्रीटमेंट होगा. और बड़ी कॉमन सी ड्रग है जो कि बाजार में बिल्कुल हर काउंटर पे अवेलेबल है, मेटफॉर्मिन, ग्लूकोपेज, हर कोई खा रहा है, बिना वजह खा रहा है. ये भी बहुत एक तरह से समझ लीजिए मिसकंसेप्शन है कि शायद ग्लूकोवेज खाएंगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी. और द काउंटर मिल रही है, लोग ले लेके खा रहे हैं कि फला ने खाई थी, मेरी बहन ने खाई थी तो मैं खा लू, मेरी भाभी ने खाई थी तो मैं खा. ऐसा नहीं है. जिन लोगों का इंसुलिन लेवल ज्यादा है और जिनको जरूरत है सिर्फ उनको लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी दवाई इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. सो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में वेट रिडक्शन अगर ज्यादा है, और फिर इंसुलिन लेवल को रिड्यूस करने के लिए, बिकॉज ग्लूकोफेज जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है. ठीक है. फिर अगर ओविलेशन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उस खातून को ओविलेट नहीं कर रही, तो फिर हम कुछ ड्रग्स देते हैं जिनको हम कहते हैं ओविलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स. कुछ दवाइयां मार्केट में मौजूद हैं जिससे ओविलेशन होने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है. एक महीने में एक सेहतमंद और तंदुरुस्त औरत जो है उसके कंसेप्शन के चांसेस 20-25% तक होते हैं जो कि ओविलेट कर रही है. 20-25% चांस है कि वो कंसीव कर रहे हैं. अगर हम ओविलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स देते हैं तो वो चांस बढ़ के 40-45% तक चला जाता है. 100% नहीं होता. इसलिए ऐसा भी नहीं है कि आपको डॉक्टर ने दवा दी और आप समझे कि अगले महीने प्रेगनेंसी हो जाएगी तो क्यों नहीं हो रही. ठीक है. सो वो चांस थोड़ा बहुत बढ़ जरूर जाता है, पर 100% वो भी नहीं होता है. ठीक है. फर्दर आगे ट्रीटमेंट पे मैं इरम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे और मेडिकल ट्रीटमेंट एंड देन फर्दर इज दी सर्जिकल ट्रीटमेंट. डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन भी था तो मैं पहले उसको भी रिप्लाई करती हुई चलती हूँ साहब. क्वेश्चन ये था कि अगर पहला बेबी ट्रीटमेंट से हुआ है तो सेकंड का चांस क्या नेचुरली है, तो इसके अंदर मेरा तो जवाब ये होगा कि फर्स्ट बेबी अगर आपका इलाज करने से हुआ है तो उसके अंदर अगर आपका वो जो कॉज था, अगर वो कॉज आपका ट्रीट हो चुका है तो ऑब्वियसली आपका सेकेंड बेबी बगैर इलाज के हो सकता है. जैसे कि अगर हम कहें कि आपको से फॉर एग्जांपल थायराइड का प्रॉब्लम था तो जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, थायराइड हाइपोथायराइड थी या हाइपरथायराइड थी, आप थायरोक्सिन खा रही हैं अपनी और आपके थायराइड लेवल्स नॉर्मल हैं, आपका वेट बिल्कुल ठीक है, तो आप डेफिनेटली दोबारा खुद से प्रेग्नेंट हो सकती हैं. बस ये बात है कि इसलिए हम ये कहते हैं कि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हिट एंड ट्रायल ट्रीटमेंट नहीं है. इसका ट्रीटमेंट कॉज को आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और दूसरा, जहां पर डॉक्टर सुद्रा ने ओविलेशन इंडक्शन जो दवाइयों की बात की है ना, जो दवाइयां हम देते हैं उन औरतों के अंदर के जिनमें अंडा हर महीने रिलीज नहीं हो रहा होता है, उन दवाइयों को देने की भी एक मुद्दत है. जैसे कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि वो कुछ पेशेंट्स इस तरह से कि वो 3-4 महीने से मुसलसल ये दवाइयां खा के आ रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम फॉर लाइफ लॉन्ग या 2-3 साल तक ये ट्रीटमेंट चला सकते हैं. इसका एक खास स्पेसिफाइड टाइम है कि आपने 6-8 महीने तक ओविलेशन इंडक्शन की ये दवाइयां दे सकते हैं, इसके बाद आपने रुक जाना है और नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम दवाइयां ये ज्यादा देते जाते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है कि ओवरी का कैंसर भी डेवलप हो सकता है. ठीक है. तो ये इस चीज को हाईलाइट करना और इस चीज की नॉलेज हमारी औरतों में होनी चाहिए कि अगर आप ये दवाइयां खा रही हैं तो इन दवाइयों के नुकसान डेफिनेटली हैं. सक्सेस रेट भी है लेकिन नुकसान भी हैं. आप बहुत लंबे अरसे तक इनको नहीं खा सकती है. ठीक है. एक तो ओविलेशन हो गया कि हमने उसको ट्रीट कर दिया. दूसरा फैक्टर जिसको ट्रीटमेंट में आ जाता है तो वो आ जाता है कि यूट्राइन कॉजेज, यानी बच्चेदानी के अंदर अगर कोई मसले हैं, जैसे कि यूट्रस के अंदर कोई रसोली है फाइब्रॉइड की, डॉक्टर सुद्रा ने बात की थी, या फिर एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी है, या पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेशन जिसको हम कहते हैं कि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है,
तो इन चीजों को पॉलिप्स हैं, कोई यूट्रस के अंदर कोई अदूत बन गए हैं, तो इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करना पहले पहले देखना अल्ट्रासाउंड के जरिए, या कुछ और खास टेस्ट होते हैं कि जिसकी जिसको ट्यूब टेस्ट कहा जाता है, उसमें भी आइडेंटिफाई हो जाती है यूट्रस की लाइनिंग, और एक और भी खास अल्ट्रासाउंड का टेस्ट है, तो वो करके पहले हमें देखना है कि वजह क्या है और उसको भी उस हिसाब से ट्रीट करना है। पॉलिप है तो पॉलिप निकालें पहले, टीएनसी करें। फाइब्रॉइड है और वो अगर इंटरफेयर कर रहा है यूट्रस की बिल्कुल लाइनिंग के अंदर है तो उसको भी निकाला जा सकता है, ठीक है। और सेम अगर पीआईडी है तो पीआईडी के लिए एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट है। तो ये सब चीजें ट्रीट करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और एक चीज और कि अगर थर्ड में अगर ट्यूब्स में कहीं कोई ब्लॉकेज है तो फिर तो हम इनफर्टिलिटी की जो दवाइयां इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ट्यूब्स की ब्लॉकेज के भी बहुत सारे कॉजेज हैं, कि जैसे पेट के वो एनवायरमेंट है, वहां पे अगर ट्यूबरक्लोसिस हो गई थी अगर उसको पेट की, तो उसकी वजह से भी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती है। या एक और इम्पोर्टेंट चीज कि अगर हिस्ट्री ट्यूब में बच्चा रहने की एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, तो उसमें एक ट्यूब तो उसकी है ही नहीं, आपके पास सिर्फ एक ट्यूब अवेलेबल है, तो ऐसी औरतों को समझ के ये जो ओविलेशन इंडक्शन की दवाइयां देनी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर अगर उसको एक्टोपिक हो गई तो उसकी सेकंड ट्यूब भी चली जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट कि आपके अगर किसी की हिस्ट्री एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, जैसे पहले ही उसकी एक्टोपिक हो गई थी, ट्यूब में बच्चा रह गया था और ट्यूब उसकी नहीं है, तो आप प्लीज उसको सोच समझ के ये वाली दवाइयां इस्तेमाल करवाएं, और जो है naturally पहले वो try करें, नहीं तो फिर वो दूसरे तरीके जिनमें assisted reproduction आ जाती है उस पे उसको जाना पड़ सकता है। तो मज़ीद अब डॉक्टर सदा अगर आप इसको लेकर चलें। एक चीज पे मुझे भी आपके बात करते हुए याद है, कुछ खवातीन बल्कि अक्सर और बेशतर ये हमने देखा है, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे से तीसरे डॉक्टर, वो फिर इतना बड़ा उनके हाथ में थैला होता है सारी investigations, couple of investigations, couple of treatments। वो क्या है कि एक डॉक्टर से तो आपने दो चार छह महीने दिखाया और फिर आपने डॉक्टर चेंज करके आप दूसरे के पास चले गए, दूसरे से चेंज करके, तो ये आई वुड से इस तरह की जो शॉपिंग हो रही है या इस तरह जो आप इसमें नुकसान आपका अपना है, बिकॉज अगर एक डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करके किसी नतीजे पे पहुंच के ट्रीटमेंट शुरू कर रहा था या कर चुका था और उससे नतीजा बरामद नहीं हुआ और आपने उसको छोड़ के दोबारा आप किसी और के पास चले गए, समहाउ बीच में अगर गैप आ जाता है तो नए सिरे से फिर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। और बहुत सारे मैंने कपल ऐसे देखे हैं कि ओविलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स ले रहे हैं और अभी तक ट्यूबल पोटेंसी टेस्ट ही नहीं हुआ है। तो ट्यूब्स जब हम ओविलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स देखते हैं तो उनको देने से पहले हम पहले ट्यूब्स की पोटेंसी का मतलब होता है कि हम ये चेक कर लेंगे कि ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है। अगर ट्यूब ब्लॉक है तो फिर नेचुरल तरीके से ड्रग्स देने से प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, बिकॉज वो तो रास्ता ही बंद है ट्यूब्स का, अगर रास्ता क्लोज है और ब्लॉकेज हुआ हुआ है तो वो फिर उसकी उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दूसरी है। ये वो कैंडिडेट हैं जिनको फिर ओविलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स नहीं देनी चाहिए। ओविलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स सिर्फ उन लोगों को हम देते हैं जिनका प्रॉब्लम ओविलेशन से रिलेटेड है या मेडिकल डिसऑर्डर्स है। सर्जरी वाले पेशेंट्स जिनको सर्जरी की जरूरत है या जिनको असिस्टेड रिप्रोडक्शन की जरूरत है उनके लिए नहीं दी जाती, और हम सोसाइटी में देखते हैं कि बहुत से लोग इस तरह की चीजें बिला वजह खा रहे हैं, जैसे हमने कहा तो फिर वो रिस्क बढ़ जाता है ओवेरियन कैंसर का और ओविलेशन के साथ और बहुत से प्रॉब्लम स्टिमुलेशन सब चीजें चल रही होती है। सो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट होना और फिर आप जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं थोड़ा सब्र तहम्मुल से जरा उसको कंप्लाई करें, थोड़ा इंतजार करें, बिकॉज हर जैसे मैंने कहा कि 40% चांस बढ़ जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 100% हर साइकिल में आपको नतीजा बरामद भी हो जाए। मल्टीपल रीजंस है आपकी अपनी एंजाइटी और ये सब चीजें भी है। अच्छा एक सवाल आया है कि प्रीमैच्योर मेनोपॉज 35 इयर्स में डायग्नोज हो तो फर्टिलिटी के चांसेस नहीं होता। ओके प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से ओव्यूलेशन ट्राई नहीं होती और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। प्रीमैच्योर 35 इयर्स के आजकल बहुत कॉमनली देखने में आ रहा है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट स्टेटस है, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ ड्रग्स हैं जिनकी वजह से खवातीन को 30 साल या 35 साल में भी ओवेरियन फेलियर देखा जा रहा है क्लिनिक्स में। अगर ओवेरियन फेलियर कम्प्लीट है उसको हम एक लेवल से चेक करते हैं, हार्मोन होता है फेसेज जिसको हम चेक करके अंदाजा लगाते हैं, उसके खास लेवल्स होते हैं जिसपे ये देखा जाता है कि कंसेप्शन हो सकता है या नहीं। अगर वो ज्यादा बढ़ गया है तो फिर जाहिर है कंसीव नहीं कर सकेगी क्योंकि ये वो स्टेट हो गई है जिसको हम कहते हैं मेनोपॉज या हमारी खत्म होने के बाद जो औरत की जिंदगी में जो लाइफ आता है टाइम पीरियड आता है जिसमें वो कंसीव नहीं कर सकती।
तो अगर वो मेनोपॉज प्री मेच्योरली आ गया है और एफएसएच लेवल बहुत बढ़ गया है तो फिर उसमें प्रेगनेंसी फर्टिलिटी नहीं हो सकती। उसके लिए फिर दूसरे तरीके का रहे हैं लाइक हम असिस्टेड रिप्रोडक्शन की जैसे अभी बात कर रहे हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट के अलावा एक तीसरा ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्शन या आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसमें होता ये है कि उसकी रीजंस वो कपल हैं जो नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते, आइदर तो ट्यूबल ब्लॉकेज वाली खवातीन है या जिनके ऐसी प्रॉब्लम है जो हम मेडिकली ट्रीट नहीं कर सकते। तो उसमें करते क्या है कि फीमेल को ट्रिगर किया जाता है उसका साइकिल ओवुलेशन ड्रग्स दे के, उसमें एग्स जब बनते हैं और एक अच्छी क्वांटिटी में और अच्छे साइज के हो जाते हैं तो उन एग्स को रिट्रीव किया जाता है थ्रू अल्ट्रासाउंड और उन एग्स को लेकर फिर आर्टिफिशियल तरीके से स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइजेशन कराई जाती है अंडर माइक्रोस्कोप। और फिर वो जो जब जो फर्टिलाइज ओवम है जो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है मॉरिला ब्लास्टुलस की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, एक स्टेज पे आके उसको इम्प्लांट कर देते हैं वापस उस औरत के यूट्रस में। सो ये थोड़ा सा एक बाईपास प्रोसीजर किया जाता है बिकॉज उसकी ट्यूब्स अगर ब्लॉक है तो नेचुरल तरीके से ट्यूब से गुजर के यूट्रस में आके इम्प्लांट नहीं होगा, उसको फिर रिट्रीव करके फर्टिलाइज करके और देन यूट्रस में डाला जाता है, हस्बैंड का ही स्पर्म होता है। सो इस लिहाज से ये एक तरह से एक ऑप्शन है जो कपल्स के लिए जो ट्यूबल ब्लॉकेज से सफर करते हैं। और मेल इनफर्टिलिटी में जिन जिन हस्बैंड्स के को स्पर्म्स काउंट कम है, बहुत कम है या नहीं बन रहे, एजोस्पर्मिया कहते हैं जिसमें स्पर्म्स नहीं बनते, उनके सीमन एनालिसिस में स्पर्म्स नजर नहीं आते, तो उनके लिए भी फिर फर्दर ट्रीटमेंट में वो जाके एक मेथड कहलाता है इक्सी जिसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक हम स्पर्म इंजेक्शन करते हैं, उनकी ट्यूब से वो स्पर्म्स जो थोड़े बहुत रह गए हैं उनको रिट्रीव करके और फिर उनको वो आर्टिफिशियल तरीके से फर्टिलाइजेशन कराई जाती है और फिर उसका जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको यूट्रस में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से जो प्रेगनेंसीज होती है उनको हम आईवीएफ कंसेप्शंस कहते हैं। ये तरीकाकार काफी एक्सपेंसिव है, महंगा है, मगर एक ऑप्शन है उन कपल्स के लिए जो नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते। आप कुछ सीरम और बोलना चाहेंगे? मैं एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करना चाहूंगी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के ऊपर। एक हमारे पास इनफर्टिलिटी की जैसे हम बांझपन की इस वक्त बात कर रहे हैं तो हम ये बहुत बार बार एक बात पे रीइंफोर्स कर रहे हैं कि हमें कॉज ढूंढना है, हमने वजह ढूंढनी है। कुछ कपल्स ऐसे हैं जैसे मैंने उस वक्त भी जो रेशियो बताया था कि तकरीबन 20% कपल्स ऐसे हैं 10-20% जिसमें कोई कॉज नहीं मिलता है, ठीक है ना, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी इसको कहा जाता है कि जिसमें उनकी वेट भी ठीक है, सीमेन एनालिसिस भी ठीक है, सारे उसके हार्मोनल चेक्स ठीक हैं, उसकी ट्यूब्स बिल्कुल खुली हैं, यूट्रस में कोई भी फाइब्रॉयड नहीं है, पॉलिप नहीं है, तो क्या वजह है इनफर्टिलिटी की, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली माइक्रो एनवायरनमेंट में मसला है, उस औरत की जो पेट की एनवायरनमेंट है उस माइक्रो एनवायरनमेंट में देयर इज सम प्रॉब्लम, या तो उसकी यूट्रस में वो एग इम्प्लांट नहीं हो पाता है, कोई इम्प्लांटेशन फेलियर है। तो इस चीज को ट्रीट करने के लिए तरीका जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है दैट इज डिफरेंट। इसमें हम ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स जो हम दवाइयों की बात कर रहे थे वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर एक साल गुजर गया है और आपकी सारे इन्वेस्टिगेशन हो गए हैं, आप नहीं और अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के नीचे आप जा रहे हैं, तो उसमें स्ट्रेट अवे कहा जाता है कि आप आईयूआई एक ऐसा तरीका है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन उसको कहा जाता है, जिसमें हस्बैंड का सीमेन प्रिपेयर करके लैब में प्रिपेयर किया जाता है सैंपल और वो औरत के जिस्म में इंजेक्ट किया जाता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, मिड साइकिल पे उसके जिस्म में इंजेक्ट किया जाता है। और उसमें ये होता है कि ताकि वो सीमेन डायरेक्टली जब यूट्रस के अंदर जाएगा तो हो सकता है कि वो कोई होस्टाइल एनवायरनमेंट उसके वजाइना में मौजूद था कि जिसकी वजह से वो सीमेन डिस्ट्रॉय हो जाता था, तो वो उसको सरपास करके वहां पहुंच जाएगा और उसमें चांसेस ऑफ सक्सेस हैं। कहा जाता है कि आप 4 से 6 साइकिल्स आईयूआई की लगातार ले सकते हैं और उसके बाद फिर उसके रिजल्ट आते हैं। अगर आईयूआई भी 4 से 6 साइकिल्स में अनसक्सेसफुल है तो लास्ट ऐसे कपल्स के लिए जो रिजॉर्ट बच जाता है वो आईवीएफ है, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी का बच जाता है। तो इसमें है इन कपल्स को आइडेंटिफाई करना जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के साथ है कि वो सालों साल ओवुलेशन इंडक्शन की ड्रग्स मत लें और आप स्ट्रेट अवे
क्योंकि एक एक दिन आपका कीमती है ना, जितने दिन औरत की एज एज करती चली जाती है, एजिंग जिसको कहा जाता है, तो आपके एग्स भी एज करते चले जाते हैं, और उसको अगर हम जल्द से जल्द एड्रेस कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। थैंक यू डॉक्टर एरम। अच्छा, जनरली तो हमने ट्रीटमेंट वाइज भी बात कर ली, कॉजेज भी। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट हमने शुरू में बात की थी, सोशल स्टिग्मा, सोशल इम्पैक्ट ऑफ डेली इनफर्टिलिटी, वो खवातीन की जिंदगी पे बहुत गहरा असर डालता है। मैंने शुरू में ही ये कहा था कि इट्स अ मेजर कॉज ऑफ एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, बिकॉज सारा ब्लेम फिर उस खातून पे आता है, बिकॉज उसी को सारा ब्रेंड उठाना पड़ता है। इस वजह से आई वुड सजेस्ट कि अवेयरनेस सेशंस भी होना चाहिए, लोगों को ये बात समझने की बहुत जरूरत है। हमें थ्रू सोशल मीडिया भी फैलाने की जरूरत है, और जो आज जो खुद मदर इन लॉ है या दूसरी घर की खवातीन है, वो भी इस बात को रियलाइज करें कि देखें उसके भी हाथ में नहीं है ना, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। बहुत सी चीजें तो जाहिर है, अगर कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, फिर तो कोई रीजन ही नहीं बनता है। सो एक हेल्थी प्रेगनेंसी का होना, जाहिर है सबको सबकी ख्वाहिश भी होती है फैमिली बनाने की, और वो मगर उस सिलसिले में उस औरत को इतना ब्लेम करना कि वो अपनी सोशल लाइफ, अपनी जेन्युइन लाइफ ही कट ऑफ कर जाए और बिल्कुल वो डिप्रेशन में चली जाए, ये किसी तरह भी मेरे ख्याल में एडवाइजेबल नहीं है। सो हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, इस बात पे सोचना चाहिए, बिकॉज ये, और फिर हम जितना स्ट्रेस उसको देते हैं उतनी ही चीजें और खराब होती हैं। स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजन फॉर इनफर्टिलिटी। वो जितना स्ट्रेस ज्यादा लेगी उतना ही ओव्यूलेशन फिर अफेक्ट होगी, और फिर आप उसके लिए कुछ अच्छा तो नहीं कर रहे। अब देखती हूँ क्लिनिक्स में कि लोग शादी के 3 महीने के बाद यंग लड़कियां 15 साल 16 साल की आ जाती हैं कि नहीं, हमारी सास और हमारी मदर इन लॉ कह रही है और हमारे हस्बैंड कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी भी नहीं हुई 3 महीना हो गया। अरे भाई, 3 महीने, इट्स बीन 1 ईयर, आप 1 साल को इंतजार करें कम अज कम। सो वो सोशल बर्डन फीमेल के ऊपर, वैसे ही सोशल बर्डन बहुत सारे हैं, तो ये वाला बर्डन भी उस पर डाल दिया जाता है, और ये इट इज रियली वेरी उसके लिए बहुत डिस्ट्रेसिंग और डिप्रेसिंग हो जाता है। एक चीज और डॉक्टर सिद्रा, इसमें मैं कहना चाहूंगी कि हम एज अ गायनेकोलॉजिस्ट जो हम ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, तो मैं ये पूरे पूरे जनरली पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स के लिए जैसे ये बात करना चाहूंगी कि जो भी जहां पे भी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट होती है, रिकमेंडेशन है, इंटरनेशनली भी ऐसा ही होता है कि एक जो गायनेकोलॉजिस्ट ट्रीट कर रही है ना, वो उसको काउंसिल नहीं करती, उसके लिए अलग एक सपोर्ट ग्रुप है कि जो उसको मजीद उसका स्ट्रेस कम करेगा, उसको काउंसिल करेगा कि जो भी उसके सवालात हैं, क्योंकि हम ऑब्वियसली एक रनिंग क्लिनिक में हम काम कर रहे हैं, तो हम बहुत सारी बातें उनसे उस तरह डिस्कस नहीं कर पाते हैं ना, तो इसके लिए भी एक डेजिग्नेटेड अगर पर्सन हो, अगर कोई आपका फर्टिलिटी का सेटअप है पूरा, तो उसमें ये मेरी तो एडवाइस होगी कि एक ऐसा सपोर्ट ग्रुप एक होना चाहिए जो ऐसी औरतों को काउंसिल करे, ये स्ट्रेस उनका कम हो, और ताकि उनकी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो ना, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। और जो जिसका भी स्ट्रेस है, तो फैमिली का स्ट्रेस है, सोसाइटी का स्ट्रेस है, अपना जहन में खुद पाला हुआ एक स्ट्रेस है, तो वो सब स्ट्रेसेस कम होंगे तो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल। और आमतौर पे जब फीमेल्स आती हैं तो मदर इन लॉ तो साथ कंपनी करके आती है ना, वो बेचारी अपनी दिल की बात सामने कह भी नहीं पाती कि वो किस एग्नी से और किस प्रॉब्लम से गुजर रही है। सो वो भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि थोड़ा अलग करके वो बेचारी की कोई बात सुने तो सही। सो वो हमें भी एज अ गायनेकोलॉजिस्ट हमें भी उस पर फोकस करने की जरूरत है कि इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स या तो सेपरेट हो और या फिर उनसे कम अज कम खुल के दिल की बात हो सके कि जो बेचारी उस एग्नी से गुजर रही है उसकी बात सुनी जा सके, कम किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। सो और कुछ, सो आई थिंक अगर चीजों को समराइज करें डॉक्टर सुद्रा, कि इनफर्टिलिटी बहुत बांझपन जो है, एक बहुत ही कॉमन अब हमारी जो है ना, क्योंकि किस वजह से कॉमन हो रहा है, मुझे ये लगता है कि लेट मैरिजेस भी एक इसका बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारे पास जो खवातीन हैं उनकी लेट मैरिजेस हैं, 30 एंड अबव औरतें शादियां आजकल हो रही हैं। ठीक है, वो अपने सोसाइटी प्रेशर्स, जॉब्स और ये सब चीजें के पढ़ी लिखी खातून हैं, तो इन चीजों को भी ये देखना आपके अंदर अवेयरनेस होनी जरूरी है कि अगर आपकी एज एक सर्टन उससे ज्यादा है, तो आपको फिर उसमें भी फिर ये नहीं है कि वो आती है कहती है अभी हमें फिर से 2-3 साल और अभी गैप करना है,
और फिर जब मैंने अपने आप को स्टैब्लिश करना है और फिर प्रेग्नेंट होना है, तो इस चीज को आप ये सहन में रखें कि एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और एज अगर आपकी एक सर्टेन एज क्रॉस कर गई 32 से ऊपर, आप 32 से 37 के दरमियान कहा जाता है कि आपकी फर्टिलिटी रैपिडली नीचे जाती है 32 से 37 साल की उम्र में, तो आपको ये जहन में रखना है कि अगर आपकी लेट मैरिज हुई है सो आपको एक तो विद इन 6 मंथ्स टू 1 ईयर कंसीव कर लेना चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप फौरन अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जाके दिखाएं जाए, ठीक है, और इन्वेस्टिगेट कराएं उन कॉजेस को, देखें कि क्या वजह है। बिल्कुल, आई एग्री 100% एग्री, क्योंकि लाइफ में अब आप लोग इतना बिजी हो गए कि आप सही कह रहे हो, 30-35 पे भी कहते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन दे दें, अभी हमने 2-3 साल और प्रेगनेंसी नहीं करनी, हमें नहीं चाहिए। सो आई वुडंट एडवाइज दैट, 30 इयर्स इज गुड एनफ कि आपकी प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए, और उसके बाद फर्दर उसको डिले करना कोई अकलमंदी का तकाजा। बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने सवाल पूछा था कि हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस कैन कॉज अ प्रॉब्लम फॉर गेटिंग प्रेगनेंसी। नहीं, हर्पीस इज अ वायरल इंफेक्शन जो कि जिसकी वजह से अल्सर्स बन जाते हैं, और फिर उसमें बहुत पेनफुल अल्सर्स होते हैं और बहुत इचिंग और ये सारी चीजें, बट उसका फर्टिलिटी से एज सच डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है। फर्टिलिटी जो है अफेक्ट करती है वो पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज या पेल्विक डिजीज जैसे गनोरिया है कॉज कर सकता है, जिसमें ट्यूबल ब्लॉकेज। हर्पीस का तो मेरा ये ख्याल, हर्पीस इज अ लोकल इन्फेक्शन ऑफ द पेरिनियल एरिया, और वो उससे इनफर्टिलिटी मेरे ख्याल में तो नहीं होती है। तो अगर कोई वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसा है जो यूट्रस के थ्रू बच्चेदारी को क्रॉस करके, ट्यूब्स को क्रॉस करके पेट में चला जाए या ट्यूब्स तक पहुंच जाए और ट्यूबल ब्लॉकेज कर दे, वो ऑर्गेनिज्म खतरनाक है इन रिलेशन टू फर्टिलिटी। उसमें कॉमनली गनोरिया और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस देखे जाते हैं, उनकी वजह से ज्यादातर होता है। और इनफर्टिलिटी होगी, तो इस चीज को मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगी कि कोई भी डिस्चार्ज जो आपका, उसके अंदर अगर कोई खारिश है, स्मेल है, ठीक है, या उसका रंग तब्दील हो रहा है, तो वो ये क्लमीडिया गनोरिया जो हम बीमारियों की बात कर रहे हैं, वो उसमें से कोई ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है जो मियां बीवी को एक दूसरे से ट्रांसमिट होता है, और वो फिर आपकी इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। लेकिन ये दिस इज ये बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप परेशान नहीं हो, और अगर आप परेशान, ये एक मुझे अवेयरनेस देना चाह रही थी इस फोरम के थ्रू कि अगर जो मैंने अलामत आपको बताई हैं कि इसमें अगर ऐसी कोई अलामत आपको जाहिर हो रही है तो आप डेफिनेटली जरूर आए, लेकिन सोलली इसको जिम्मेदार ठहराना कि इस वजह से मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, तो ये तो सही नहीं है, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ये भी आप इस चीज को भी थोड़ा सा ये मिथ को क्लियर करना मैं चाह रही थी जी। और बिल्कुल तब जरूरी है वो कपल्स जो सफर कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से कि ये ना उम्मीदी ना करें, उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज देर आर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, देर आर ऑप्शंस अवेलेबल, आप जाइए कंसल्ट करें। आप ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बिकॉज बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं आजकल, तो जैसे हमने कहा असिस्टेड रिप्रोडक्शन है, और बाकी उससे पहले बहुत सी चीजें हैं जो करेक्ट की जा सकती है, बिकॉज ये वो वाला ग्रुप है इनफर्टाइल कपल्स वाला जो बहुत सोशली भी और मॉरली भी बहुत डिप्रेस होते हैं, मेंटली मैंने देखा है उनको कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। तो इसलिए आज इस फोरम के थ्रू ये मैसेज देना चाहूंगी कि प्लीज आइए, अपना चेकअप करवाएं, जितना जल्दी इन चीजों को टैकल कर लिया जाएगा, इन्वेस्टिगेट हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा, उतने चांसेस ज्यादा है। सो यू शुड नॉट लूज द होप। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप बिल्कुल, टाइमली ट्रीटमेंट, टाइमली इन्वेस्टिगेशंस, और फिर उसके साथ आपका प्रॉपरली चेकअप करवाना और आना अपने डॉक्टर से रुजू करना, ये सब बहुत जरूरी है। और कोई ऐसी चीज नहीं है जो नामुमकिन हो, बिल्कुल मुमकिन है। अल्लाह ताला सबको इस तोहफे से नवाजे, औलाद बहुत बड़ी नेमत है, और जिनके पास नहीं, आई कैन यू नो इमेजिन के कितना तकलीफ दे अमन है, लेकिन कोशिश करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होगी। आई थिंक इस सेशन से लोगों को बहुत सारी चीजें अभी उन लोगों को अवेयर हो गए होंगे कि हमें बिल्कुल इस तरह से स्टार्ट नहीं करना है। आपने स्टार्ट ही स्ट्रेट अवे किसी
प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास आप जाएं, ठीक है ना। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप लोकल जो जनरल जनरल फिजिशियंस हैं, जीपीज हैं, उनसे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि जो ड्रग है जो डॉक्टर सिद्रा ने जिसका नाम लिया था, ये ओवर द काउंटर अवेलेबल है, हमारे पास हर दुकान में बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है ये ओवुलेशन इंडक्शन की ड्रग। आप उसको इस तरह मत लें अनलेस के आपका कॉज आइडेंटिफाई हुआ है। एक प्रॉपर चैनल के थ्रू चले, स्टेप वाइज ट्रीटमेंट कराएं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अपनी हेल्थ है, आपका अपना एक बॉडी है, ये सिस्टम है, ये सारा सिस्टम खराबी की तरफ चला जाता है जब आप इस तरह से अननेसेसरी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैसेज बहुत क्लियर है आई थिंक कि इनफर्टिलिटी डेफिनेटली ये हमारे सोसाइटी का बहुत बड़ा स्टिग्मा है, लेकिन इसको इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और प्रॉपर गाइडेंस के जरिए इसका बिल्कुल इलाज मुमकिन है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर एरम, लेट्स कंक्लूड द सेशन। आपका बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, जिन लोगों ने अपने घरों में बैठ के ये सेशन सुना, आपकी तजावीज, आपके सजेशंस सर आंखों पर जरूर भेजते रहिएगा, वी विल बी इन टच इवन आफ्टरवर्ड्स। और इनफर्टिलिटी के हवाले से कहूंगी कि वही जैसे हमने अभी कहा कि प्रॉपरली टाइमली डायग्नोज हो जाए, टाइमली ट्रीट हो जाए, बिना वजह ओवर द काउंटर ड्रग्स ना लें, डॉक्टर से प्रॉपर लगकर इलाज कराएं, अपने वजन का ख्याल रखें। प्लीज प्लीज, मैं हर सेशन में इवेंचुअली एंड ऑफ द सेशन यही बात आती है कि वजन पे कंट्रोल रखें, अपना बीएमआई कंट्रोल रखें, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, इवेंचुअली न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज, ये सब चीजें काउंट करती हैं आपकी जनरल बॉडी के लिए, सेहत के लिए। बिकॉज किसी ने कहा था ना कि बहुत सारी बीमारियां, जितनी भी बीमारियां सब पेट से जन्म लेती हैं, तो अगर हम अपना डाइट अच्छी रख लें और अपनी एक्सरसाइज कर लें तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा खाएं, सेहतमंद रहें, हेल्दी बनें, हेल्दी खाएं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, शुक्रिया, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।